नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कलयुग में पहली बार आप सभी के जीवन काल में इतनी बड़ी और इतना भयानक योग है, तो एक प्रकार से साजिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहने वाली है, इसलिए दोस्तों आप इन्हें मिस करने की गलती ना करें। और दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल कर आप इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जीवन काल से जुड़ी उन बातों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें दोस्तों अगर आप सुन लेंगे तो दोस्तों आपको खुशी की वह अनुभूति होगी, जिनसे दोस्तों आपका दिल प्रसन्न हो जाएगी। और दोस्तों, आपके जीवन काल से सभी प्रकार की चिंताएं, सभी प्रकार की टेंशन खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, इन बातों को आप बहुत ही ज्यादा गौर से सुने। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। भगवान श्री राम का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे विचार से, बहुत ही अच्छे ज्ञान से, जिन्हें दोस्तों अगर आप अपने जीवनकाल में याद रखेंगे तो दोस्तों हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके जीवनकाल की बहुत ही बड़ी मुश्किल का समाधान आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन बातों को भी आप बहुत ही ज्यादा गौर से सुने कि दोस्तों, पाछे दिन पाछे गए हरी से किया नौहेत, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। जी दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि बीता समय निकल गया है, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया है, अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया खेत ही चुग गई है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप भी अपने जीवन काल में इन बातों को याद रखें। और दोस्तों, इस वीडियो में भी यह बातें बहुत ही सटीक बैठने वाली है क्योंकि दोस्तों पिछले कई समय से आप जानते हैं कि आपके पीछे किस प्रकार के दुश्मन पड़े हैं, आपके कार्यों को रोकने टोकने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी इनसे नहीं संभलेंगे तो दोस्तों आप बाद में पछताएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपकी सभी समस्याओं का इस वीडियो में समाधान है। तो दोस्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने हर तरह के मौसम को देखा है, हर समय में हर प्रकार की परिस्थिति और सिचुएशन को झेला भी है, अपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन में बुरा भी जरूर देखा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में खुशियां जहां देखी है वहीं अपने जीवन में गम भी आपने देखा है। दोस्तों, पिछले समय अंतराल में आपने उम्मीद भी रखी है, आपने अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ही अच्छा होने वाले हैं, आपने सोचा है कि आने वाले समय में हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने पिछले समय अंतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले समय में हमें बेहतरीन परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में, दर्द में, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएँ होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, अनेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसे भी तमन्नाएं होती है कि आप अपने जीवन में जो आपके मनपसंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें, आप उन्हें मनपसंद की चीज़ों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों, आप समय की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे हट जाते हैं या फिर कहीं पर आपको समय की ऐसी मार पड़ती है कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर है, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है, आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं है, आपके बड़े सपने हैं, आप बड़े ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी और आप जहां हैं वहां पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपसे जितना हो सका, आप जितना प्रयास कर सकते थे
आपने पूरा प्रयास किया, पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से आपने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे हैं, और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है, वो आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर उनके सहायता करते हैं, दिलो जान से उनकी हेल्प करते हैं, आखिर वही आपको धोखा दे देते हैं, और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों वे पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं भी घटी है, यहाँ तक कि कभी कभी आप अपने पूर्व समय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी सहायता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप अपनी सारी जानकारियां भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दें कि दोस्तों आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं, उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीता हुआ समय आपको बहुत कुछ सिखा गया है और आपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह समयावधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले समय जो भी गवाया है वह यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपकी जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होते हुए इस महीने में आपको नजर आने वाले हैं। दोस्तों यश में आपके ग्रह गोचर प्रबल स्थिति में है, महिला वर्ग को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। इसलिए दोस्तों पूरा मन लगाकर अपने कार्यों के प्रति प्रयास करते रहें, बच्चों को सकारात्मक गतिविधियों से यश में खुशी प्रदान होंगी। दोस्तों इसके उपरांत यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने अधिक बखान ना करें। जलन की भावना से कुछ लोग आपके लिए नकारात्मक विचार भी यश में रख सकते हैं। दोस्तों अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना, शांति से आपको काम लेना चाहिए, किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों यश में अनावश्यक खर्चों पर आप कंट्रोल रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में यात्रा से जुड़ी योजनाओं में अंतिम समय पर बदलाव आ सकते हैं, यात्रा करते समय आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। यदि आप घर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो दोस्तों यश में जो है योग्य समय होगा, यश में आप बदलाव कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आप घर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अधिक संजीदगी और गंभीरता से भी पूरा करेंगे। दोस्तों अपने जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने से जो है व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। काफी समय से कोई खोई हुई वस्तु भी यश में आपको मिल सकती है।